यंग 11X 5G लेने वाले हो तो भाई इस फोन को खरीदने से पहले इसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जान लो वरना बाद में पछताओगे। तो जैसे कि रियलमी ने इंडिया में रियलमी 11X 5G को लॉन्च कर दिया है वो भी 15,000 रुपए में, और आप में से काफी सारे लोग इस फोन को खरीदने की भी सोच रहे होंगे, तो भाई इस फोन को खरीदने से पहले इसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जान लो वरना बाद में पछताओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के फीचर्स के बारे में कि आपको इसमें 15,000 रुपए लगाने चाहिए या फिर नहीं, और फिर बात करते हैं इस फोन के प्रॉब्लम्स के बारे में। इसमें आपको 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, वो भी 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में, तो सनलाइट वगैरह में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और अगर कैमरे की बात करें तो उसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और सेल्फी कैमरा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और अगर बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इसमें आपको Dimensity 6100 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6nm में बेस्ड है और ये 5G प्रोसेसर है जिसका एंड्रॉइड स्कोर 4 लाख के आसपास आता है। और इसी प्रोसेसर को पावर देने के लिए इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ। और हाँ, ये फोन 2 वेरिएंट्स में आता है, 6GB RAM 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस 15,000 रुपए, और 8GB RAM 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस 16,000 रुपए। तो ये तो होगा इस फोन के फीचर्स की बात, लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आपको ये फोन लेना चाहिए और इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। तो देखो इस फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि इस प्राइस में काफी सही बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसका सेल्फी कैमरा बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इस प्राइस में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और इस फोन की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको ज्यादा अच्छा प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता, मतलब अगर आप लोग गेमिंग के लिए फोन ले रहे हो तो इसकी जगह आप लोग पोको का पोको M6 Pro 5G ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 4Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसका एंड्रॉइड स्कोर 4.5 लाख आता है, और वो फोन 10 से 11,000 रुपए में ही आ जाएगा। और उस फोन के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है जो आपको ऊपर आई बटन में शो हो रही होगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, और कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। तो क्या आप लोगों को अभी भी ये फोन लेना चाहिए? तो देखो अगर आप लोगों को हल्के फुल्के गेमिंग करनी है और सेल्फी कैमरा से ज्यादा यूज नहीं रहता तो आप लोग इस फोन को खरीद सकते हो, और अगर आप लोगों को सिर्फ इस फोन में गेमिंग ही करनी तो इसकी जगह आप लोग कोई दूसरा फोन ले सकते हो जैसे कि पोको का पोको M6 Pro 5G। बाकी मेरा काम है आप लोगों को सजेस्ट करना, बाकी आप लोग वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। वैसे अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।